हे एवरीवन, देखिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर। चैप्टर है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर का इंट्रो दे देता हूँ यहाँ पे। तो इस चैप्टर के अंदर हमें लाइट के रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि अगर आपके पास कोई बॉडी है और वो ट्रांसपेरेंट है या फिर ट्रांसलूसेंट है, तो उसके अंदर से अगर लाइट क्रॉस कर जाती है, तो लाइट के क्रॉस करने की वजह से हमें जो इमेज है वो दूसरी साइड में देखने को मिलती है, जिसके लिए हम इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सो लेट स्टार्ट द चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ बाय द डेफिनेशन इन फिजिक्स, रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ वेव पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर और फ्रॉम अ ग्रेजुअल चेंज इन द मीडियम। रिफ्रैक्शन क्या है? अगर जो लाइट है वो किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से होकर जा रही है, तो हम हमेशा देखते हैं कि लाइट अपने पाथ को चेंज कर लेती है। मीन्स जिस डायरेक्शन में वो जा रही थी उस डायरेक्शन को वो चेंज करके डिफरेंट डायरेक्शन में वो निकल जाती है। तो इसी वजह से इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है, जिसे आप नीचे डायग्राम में देखकर समझ सकते हैं। एंड नाउ इन अदर वर्ड्स द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर एयर टू वाटर इज ऑल्सो नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर रे ऑफ लाइट किसी रिफ्रैक्टिव मीडियम में से होकर बेंड हो जाती है, तो बेंडिंग होने की वजह से भी इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जा सकता है। तो चलिए, ये तो हमने पता कर लिया कि रिफ्रैक्शन नाम की कोई चीज़ होती है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ रिफ्रैक्शन इज फॉर्म, रिफ्रैक्शन होता कैसे है। तो इसको हम नीचे दी गई एनिमेशन में देखकर समझ सकते हैं कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी रिफ्रैक्टिव मीडियम से आके टकराती है, तो रिफ्रैक्टिव मीडियम यानी कि एक ऐसा मीडियम जो ट्रांसपेरेंट है, तो लाइट उससे टकराने के साथ वो रिफ्लेक्शन होने की कोशिश करती है, बट रिफ्लेक्शन ना होने की वजह से वो उस मीडियम के अंदर एंटर कर जाती है, जिससे हम जानते हैं कि जो हमारा मीडियम है, अगर हमने पहले एयर मीडियम लिया हुआ था और जिस मीडियम के अंदर हम लोग रिफ्लेक्शन करा रहे हैं वो मीडियम हमारा डेंसर मीडियम है, तो लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर करती है तो वो अपने पाथ पर थोड़ा सा बेंट हो जाती है। इसी वजह से हमें यहाँ पर रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, जिसको हम बेंडिंग ऑफ लाइट भी कह सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब।